ये देखिए फेस नहीं आ रहा, फेस दिखा देता हूँ इसको, इसको अच्छी तरह देखिए। ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी हैं। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है।